खाड़ी के हवाई अड्डों पर फिर से थोड़ी चहल पहल है। 90 साल की थरिसिम्मा बहु बेटे के साथ कोची जा रही हैं। वापस लौटने वालों में गर्भवती महिलाओं, रोगियों, बूढ़ों और मुसीबत में फंसे कामगारों को प्राथमिकता दी जा रही है। वापस आने के लिए पहले पास के दूतावास में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कुवैत के कैंप में रह रही तीन महिलाएं अपना दुख बयान करते करते रोने लगी। आदरणीय मुख्यमंत्री सर, जगमोहन रेड्डी सर, नमस्ते। हम कुवैत में है, हम क्या बताएं? यहाँ हम सबको एक ही जगह रखा गया है जहाँ कोरोना मरीज भी हैं और हम भी हैं। लोगों के रहने के लिए मेहमान मुल्कों की हुकूमतों ने स्कूलों, विला और दूसरी जगहों पर इंतजाम किए हैं, लेकिन नौकरी से बाहर हो गए लोगों या जिनके वीजा एक्सपायर हो गए हैं या जो घूमने गए और वहां जाकर लॉकडाउन की वजह से अटक गए हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। अबू धाबी की एक पेट्रोलियम कंपनी में कुछ दिनों के लिए काम पर आए 1500 मजदूर वहां फंस गए और उनमें से एक की मौत हो गई। कुवैत के कैंप में मौजूद ये लोग पासपोर्ट खो जाने, स्पॉन्सर के जरिए पासपोर्ट वापस ना करने, वीजा एक्सपायर हो जाने वगैरह से वहां से वापस नहीं हो पा रहे हैं। बहुतों के पास टिकट खरीदने को पैसे नहीं। भारत के लिए उड़ाने जारी हैं। कोरोना नेगेटिव को ही प्लेन बोर्ड करने की इजाजत है। उतरने के बाद पैसेंजर्स को 14 दिनों के क्वारंटाइन में भी जाना होगा। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।